संविधान सम्मेलन सभा में समाजवादी पार्टी के विधायक कहते हैं कि मुस्लिम आबादी बड़ी है, बढ़ती रहेगी, इसलिए योगी हार जाएंगे, योगी जी का राज खत्म हो जाएगा। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये संविधान का सम्मान है, ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरती भाईजान है? अब इनकी पहचान सामने आ गई है कि एजेंडा क्या है। एजेंडा यही है, यही कहते थे ना 80-20 की राजनीति हो रही है। कौन कर रहा है 80-20 की राजनीति? कौन 20 को एकत्रित करके 80 को बांटना चाहता है? हिंदुओं को बांटो, वोट बैंक को एक करो, ये राजनीति समाजवादी पार्टी की रही है और उसका परिचायक सामने आया है। एक तरफ अखिलेश जी कहते हैं मठाधीश माफिया है, राहुल गांधी कहते हैं राम मंदिर में नाच गाना हो रहा था, और अब किस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए एक संप्रदाय को उकसाया जा रहा है, उसका भी प्रमाण सामने आया है। समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए कि महबूब अली पर क्या कार्रवाई करेंगे, क्या उसको पार्टी से निकालेंगे। खड़गे जी की तबीयत सेहत हमेशा अच्छी रहे, ये हम लोग प्रभु श्री राम से हमेशा कामना करते हैं कि वो इतनी लंबी आयु देखे कि विकसित भारत जो 2047 में होगा वो भी देखने के लिए वो यहाँ रहे हमारे साथ। परंतु सवाल ये बनता है कि जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो कांग्रेस पार्टी उन पर इतना भार डाल रही है। दूसरी बात ये भी समझ में आती है कि मोदी जी के प्रति उनकी घृणा कांग्रेस पार्टी की उनके संस्कृति को दर्शाती है। मोदी जी की संस्कृति है कि जैसे खड़गे जी की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने फ़ोन किया, हालचाल पूछा, क्योंकि हम एक दूसरे को विपक्षी मानते हैं, हम एक दूसरे को शत्रु नहीं मानते। पर इमरजेंसी मानसिकता इस प्रकार से है कांग्रेस की कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की कभी वो हिटलर जैसी मौत हो ये कामना करते हैं, कब्र खुदे मोदी की कामना करते हैं, कभी गंगू तेली नीच भस्मसूर उनकी जाति को उनके परिवार को गालियां देते हैं क्योंकि ओबीसी समाज से है। तो कांग्रेस की संस्कृति और इमरजेंसी वाली डीएनए और कल्चर है। और जब हम लोग भारतीय संस्कृति के हिसाब से खड़गे जी का हालचाल पूछ रहे थे, उनको भी भारतीय कल्चर और भारतीय संस्कृति के हिसाब से बात रखनी चाहिए। विदेशी परंपरा होती है कि एक दूसरे को शत्रु मानना, भारत की परंपरा तो ये होती है कि हम एक दूसरे के साथी हैं। आम आदमी पार्टी एपी का मतलब बन जाना चाहिए और अधिक प्रोपेगेंडा, जिसका एक ही मोटो है, विज्ञापन पर पूरा जोर, व्यवस्था पूरी कमजोर। दिल्ली को शराब घोटाले में डुबाकर पिछले 10 वर्षों में जब ना सड़क का काम, ना शिक्षा पर काम, ना स्वास्थ्य पर काम, ना यमुना की सफाई, ना डीटीसी बस खरीदने का काम या चलाने का काम या साफ पानी देने का काम कर पाए, तो अब बस विज्ञापन और प्रोपेगेंडा के माध्यम से अपनी इमेज मेकओवर के लिए ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। परंतु जनता ने इनको लोकसभा चुनाव में तो रिजेक्ट किया ही है, अब इस ड्रामेबाजी को भी रिजेक्ट करने वाले हैं। 10 साल थे इनके पास, 10 साल में ना सड़क बना पाए, ना प्रदूषण मुक्त दिल्ली बना पाए, ना यमुना जी को साफ कर पाए, सारे पैसे जो है विज्ञापन में खर्च हो गए। और अब आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं बारिश आई इसलिए सड़कें खराब हो गई, मतलब कि वो स्वीकार रहे हैं कि उनके PWD डिपार्टमेंट में इतना बड़ा घोटाला हुआ कि एक बारिश में सड़कें खराब हो गई। PWD मंत्री तो आतिशी जी थी, तो आतिशी जी पर भ्रष्टाचार वाला केस होना चाहिए और जांच होनी चाहिए कि कितना पैसा खाया था जिससे कि एक बरसात में सारी सड़कें जो है वो खराब हुई।